हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में पहले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में देखा था, और मैंने बताया था कि तीन लॉ है जिसको यूज करके आप वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जिसमें मैंने बताया था कि दो लॉ ऐसे हैं जिनका यूज दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ही किया जाता है। मैंने बताया था क्या कि लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पॉलीगन। यदि आप इस मेथड को यूज लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप यदि दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस मेथड को यूज करके आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड, इसको मैंने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड या हेड टू टेल एडिशन भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर और उनके रिजल्टेंट को यूज करके हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। हमने क्या इसमें क्या करते हैं, एक वेक्टर को फिक्स रखते हैं और दूसरे वेक्टर को उसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तब तक शिफ्ट करते रहते हैं जब तक कि फर्स्ट वेक्टर का जिस वेक्टर को हमने फिक्स रखा है उसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कॉन्साइड नहीं हो जाए। जैसे ही कॉन्साइड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर ए है, तो यदि ये इसका हेड है और ये इसका हेड है, यही क्या हुआ, इस तरह हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। उसके बाद हमने दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, कैसे हम कंसीडर फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में भी देखा था। तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था कि ये वेक्टर क्या है, ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी दिया हुआ है ना, क्या है, दूसरा वेक्टर ए बी है, और यही क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा, यही क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। इसको हमने क्या लिखा था, आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या है, वेक्टर, यही लिखा था। और यहां से हमने देखो ये क्या है, ए बी और ये क्या है, सी। इस पे हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने एम कंसीडर किया था। दिस इज नथिंग बट द क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वो जो वेक्टर दिया हुआ है उसका कितना लेंथ, कितना वो लॉन्ग है, जितना लंबा है वही क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये वाला आप देखेंगे, ये भी बताया था, ये क्या था, बी कॉस थीटा, और ये वाला क्या था, बी साइन क्या है। और मैंने ये बताया था कि अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल। तो मैंने ये बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसके बाद मैंने ये बताया था कि टेन टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, बी कॉस थीटा। यदि ये एंगल दिया हुआ है, एंगल बीटा है, क्या है, ये एंगल बीटा है, क्या है, ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन क्या होगा, बी प्लस क्या होगा, ए कॉस थीटा। यहाँ एक है, देखो ध्यान से, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
आर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर, उसी तरह क्या है, ये क्या है, दिस इज एंगल, क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर विथ, क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर। आई मीन यहां ध्यान से देखना, जिसके साथ क्या है एंगल दिया है उसके साथ कॉस और साइन नहीं होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, एक याद रखो बस दूसरा याद रखो, तो दो ही क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ हमने ये देखा था कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड एज वेल एज आई मीन दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और उनके बीच इंक्लाइनेशन क्या है उस पर क्या होगा डिपेंड करेगा, क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे अभी कुछ, अब स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे, इसमें क्या है जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। तो केस फर्स्ट क्या होगा, आई मीन केस फर्स्ट इसमें क्या होगा कि व्हेन, क्या होगा व्हेन, व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड, क्या होगा ए एंड बी आर, आर पैरेलल, दैट इज क्या होगा, दैट इज पैरेलल को कैसे लिखेंगे, देखो वेक्टर ए पैरेलल टू क्या होगा वेक्टर बी, दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो डिग्री, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाए। जैसे देखो एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी। अब आर यहां से देखो, आर का फॉर्मूला लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कॉस क्या होगा जीरो, आई मीन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, और ये कितना हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा कि व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा, क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर, सम ऑफ देयर, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सम ऑफ देयर जैसे एक एग्जांपल के लिए देख सकते हो तुम कि कोई ऑब्जेक्ट है फोर्स, तुम सब किसी को मालूम है क्या होगा फोर्स, है ना, ए देखो यहाँ क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ए फोर्स एफ वन, एफ वन का जो मैग्नीट्यूड है ये मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, और अगेन दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है एफ टू, क्या है इनका मैग्नीट्यूड मान लो 20 न्यूटन का, ये कोई ऑब्जेक्ट है कोई ब्लॉक है, तो आपसे कोई पूछे क्या पूछेगा, कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो यहाँ ध्यान से हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ एफ वन इज पैरेलल टू क्या है, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन प्लस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा एफ टू। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन प्लस क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन, आई मीन कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। यही क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हुआ, रिजल्टेंट, आई मीन यही क्या हुआ, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, 30 न्यूटन का। जब भी क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा, उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो ये अपने को क्या हुआ, मालूम चल गया। दूसरा क्या है, डायरेक्शन। देखो यहां डायरेक्शन ऑफ क्या है, रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन क्या होगा, अभी मैंने बताया था, देखो ध्यान से। एक तो तुम बता सकते हो यहां कि दो फोर्स सेमी डायरेक्शन में लगेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनके ही डायरेक्शन में होगा। यहां नहीं तो आप प्रूफ भी कर सकते हो कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। आई मीन क्या होगा, थीटा जब पैरेलल हो जाएगा तो जीरो डिग्री हो जाएगा, तो बी साइन जीरो अपॉन ए प्लस बी कॉस क्या होगा, जीरो, आई मीन क्या होगा, जीरो। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर वेक्टर ए और क्या होगा, बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, वेक्टर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि व्हेन क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन द क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, बोथ दैट इज, मतलब क्या होगा, देखो ए वेक्टर ए हुआ है ना, दूसरा क्या है, ए वेक्टर क्या है, बी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट भी होगा क्या होगा, इधर ही होगा। ए क्या हुआ, रिजल्टेंट, आई मीन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि दो वेक्टर क्या हो जाए दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगला जो केस है वो क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, एक चीज यहां याद रखना है कि क्या होगा कि व्हेन, एक नोट में पॉइंट लिखना है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन नोट में यहां लिख लेना तुम लोग, है ना, आई मीन नोट में यहां लिख देता हूं, नोट में क्या लिखना है, व्हेन टू वेक्टर्स आर क्या होगा, पैरेलल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी वी मैक्स। ये भी याद रखना कि तुमसे कभी कभी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, केस टू क्या लिखेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज क्या है, देखो परपेंडिकुलर का वेक्टर ए परपेंडिकुलर क्या टू क्या होगा वेक्टर बी, दैट इज थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब देखो क्या है, आई मीन यहाँ क्या है, एक वेक्टर ये हुआ, देखो एक वेक्टर क्या होगा ए हो जाएगा और दूसरा वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर रहता है ऐसे ही होगा, यही क्या हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट देखो यहाँ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यही क्या होगा रिजल्टेंट आर, यही होगा ना ए बी और क्या हो जाएगा सी। और यदि इस एंगल को मैं अल्फा मानूं तो बिना फार्मूला यूज किए हुए भी आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप बता सकते हो, यहाँ क्या बता सकते हो कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे अंडर रूट, देखो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B, यही होगा ना, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देख रहे हो ना बिना फॉर्मूला यूज किए हुए आगे, आपसे यदि कोई डायरेक्शन पूछे तो यहाँ डायरेक्शन कितना होगा बिना फॉर्मूला यूज किए, देखो डायरेक्शन हम क्या लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ अल्फा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन आई मीन बी अपॉन क्या हो जाएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा ए, आई मीन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा। ये देखो बिना हमने क्या किया बिना कैलकुलेशन आई मीन बिना स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किए हमने रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर लिया और रिजल्टेंट का क्या है डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ अब यदि मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है देखो तो बाई यूजिंग क्या है बाई यूजिंग रिजल्ट, यदि हम M2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा जब यहाँ 90 डिग्री रखोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यही क्या हुआ रिजल्टेंट मालूम चल गया। तो ऐसे भी हम फार्मूला यूज करके भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अल्फा लिखना है तो देखो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन क्या होता है ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अगेन टेन अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बी साइन 90 अपॉन क्या होगा ए प्लस बी कॉस 90 आई मीन क्या होगा बी अपॉन क्या होगा ए, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा बी अपॉन ए, यही क्या होगा डायरेक्शन मालूम चल। तो जब भी क्या होगा दो वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ क्या होगा वेक्टर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अल्फा क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बी अपॉन क्या होगा ए होगा, क्या होगा बी अपॉन ए होगा। तीसरा जो क्या होगा केस होगा वो क्या होगा गिवन क्या व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स क्या होगा केस थ्री व्हेन क्या लिखेंगे व्हेन टू
वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर. दैट इज क्या, ए वेक्टर एंटी पैरेलल का सिंबल होता है. दैट इज यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री. क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. अब देखो यहाँ क्या है, ये वेक्टर हमने क्या कंसीडर कर लिया है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है, यही क्या है वेक्टर ए. क्या करना है, यही वेक्टर क्या है भी. अब आप यदि लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड यूज करोगे तो मैंने क्या बताया, चलो क्या करना है, फिक्स वेक्टर. देखो फिक्स वेक्टर के हेड से देखो यहाँ यदि हम ऐड करें तो यही क्या होगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. और इधर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा. ए क्या है, ए क्या है, टेल ऑफ वेक्टर ए. यहाँ क्या है, हेड, हेड ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए. ये क्या है, हेड, हेड ऑफ क्या होगा, वेक्टर बी. और यहाँ क्या होगा, टेल ऑफ वेक्टर, यही होगा ना. तो तुम ध्यान से देखना रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा क्या, रिजल्टेंट यही होगा क्या. देखो तो रिजल्टेंट विल भी क्या होगा, यही वेक्टर होगा, यही क्या हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, टेल ऑफ द फिक्स वेक्टर टू द हेड ऑफ द क्या होगा, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिसको हमने शिफ्ट किया है. आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है यार आप ऐसे मत करो, तो आप क्या करो, सॉरी यहाँ हमने डायरेक्शन गलत दिखा दिया है, ये डायरेक्शन ऐसे. आप बी को फिक्स रखो, ए को, लेकिन फिक्स रखने वक्त क्या करना है, इसके क्या करना है, जिसको फिक्स रख रहे हैं उसके हेड से इसके टेल को क्या करना है, कनेक्ट करना है. तो आप जब इसको ज्वाइंट करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ क्या होगा, देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हो टोटल लेंथ क्या है, देखो यहाँ ये टोटल लेंथ क्या है, बी है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. देखो यदि हम लिख दें ये क्या होगा, चलो इसका नाम देते हैं ए बी, और हम लिखते हैं सी, और क्या लिखते हैं डी, आई मीन सी, और ये क्या लिखते हैं डी. तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ डी और सी क्या हो जाएगा, कौन साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए, और ये क्या होगा डी. तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर के क्या होगा, मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा. और ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड से हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. तो मैग्नीट्यूड अब क्या होगा, वेक्टर ए माइनस बी, और इसका हमने क्या किया, मॉड ले लिया. क्यों, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन क्या है, छोटा है. नहीं तो आप यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बी माइनस, बी माइनस क्या होगा, तेरा. ग्राफिकली भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रिजल्टेंट हम कैसे, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट से देखेंगे. तो क्या लिखेंगे कि यहाँ क्या होगा, आर का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कॉस क्या होगा 180 डिग्री. और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, माइनस वन होता है. तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होगा. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से और सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर. तो यहाँ लिखोगे आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस क्या होगा. तो ए आपको क्या होगा मालूम चल गया है ना. तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा कि इवन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन क्या होगा, देन देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, है ना. अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ केवल लिख लें क्या, कि व्हेन, देखो ध्यान से, व्हेन टू वेक्टर्स
आर क्या होगा, आर एंटी पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल, देन क्या होगा, पैरेलल गलत लिख रहा हूं, एंटी एंटी पैरेलल, देन देन द देन देयर मैग्नी देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, विल बी मीन, तो आर्मीन आर्मीन जो होगा वो क्या होगा, आर्मीन जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट, आई मीन दो वेक्टर नहीं, वेक्टर कितना भी दिया हुआ हो, दो वेक्टर्स यदि दिए हुए हैं तो उनके क्या है, उनका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और मिनिमम क्या होगा, ए माइनस बी होगा। और कोई भी वैल्यू इन्हीं दो वैल्यू के बीच क्या हो सकता है, लाई कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है, क्या है कि रिजल्टेंट रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, आर मैक्स, क्या होगा, आर मैक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आर मीन, क्या होगा, आर मैक्स और आर मीन, आई मीन आर मीन क्या होगा, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, और आर मैक्स क्या होगा, ए प्लस, ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अलविज ये आपको माइंड में, आई मीन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो होगा, आई मीन रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन क्या होगा, टू वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 और 180 के बीच में ही लाई करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन मैक्सिमम एंड क्या होगा, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच ही क्या होगा, लाई करेगा। हम एग्जांपल देखेंगे इस पे अभी, तो देखो यहां से आपसे यहां लिखना है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ये आपको समझ में आ जाएगा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट का। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगेन हम देखो ध्यान से, यहाँ ये ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और इधर क्या लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है ना, क्या होगा 10 न्यूटन का, यही क्या है, कोई ब्लॉक। तो देखो तो ब्लॉक मूव किधर करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में क्या होगा, क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करेगा, आई मीन उसी डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा यहाँ, नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, किधर होगा, आर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, नेट लार्जर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कितना हो जाएगा, लार्जर मैग्नीट्यूड
माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल, आई मीन क्या होगा 10, न्यूटन किधर लगेगा, तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब आपसे यहाँ कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखो ध्यान से, अब हम इस पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। द रिजल्टेंट क्या होगा, द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर यूनिट एंड 13 यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू ना मैं यहां लिखता हूं, क्या समझ में आया ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर यूनिट एंड 4 यूनिट एंड 30 यूनिट में बी क्या होगा, ऑप्शन देखो क्या हो सकता है, 2 यूनिट, बी क्या होगा 5 यूनिट, सी क्या होगा 12 यूनिट और डी क्या होगा 20। आपको समझ में आया क्या कि दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, दो वेक्टर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि उनके मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है वो क्या क्या हो सकता है, मे बी क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि rmax और rmin कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं यदि सॉल्यूशन लिखूँ तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हमने मान लिया 4 यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 यूनिट दिया, ठीक है। तो rmax क्या होगा, rmax क्या होगा, देखो तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, आई मीन कितना हो जाएगा 17 यूनिट, यही होगा ना, rmax कितना होगा 17 यूनिट हो जाएगा। और rmin आप जब कैलकुलेट करोगे तो rmin कितना हो जाएगा, rmin इक्वल टू 13, आई मीन b माइनस यहाँ a हम क्या लिखेंगे 9 यूनिट, यही लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, अब हम जानते हैं कि r आई मीन रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हो सकता है वो rmax क्या होगा से छोटा और rmin से क्या होगा बड़ा हो सकता है, इसी के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप मुझे यहां से बता सकते हो, देखो तो r पहले मान लो कि r क्या है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट क्या इसके इसके बीच लाई कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, होगा क्या होगा 17 और मिनिमम कितना होगा 9, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू इसी के बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग, तो ये नहीं हो सकता, चलो 5 यूनिट क्या है 17 और 9 के बीच लाई कर रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आप आइए देखिए कि 12 यूनिट जो है 17 और 9 के बीच लाई करता है क्या, ऑफकोर्स करता है, तो क्या होगा ए वाला जो होगा करेक्ट ऑप्शन है ना। और देखो 20 यूनिट क्या है, 20 यूनिट भी क्या है 17 से बड़ा है और 19 से भी बड़ा है, मीन उनके बीच क्या है लाई नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं r जो होगा वो क्या होगा 17 से यूनिट से क्या होगा
छोटा होगा और क्या होगा, 4 units, I mean 9 units से क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ऑलवेज आपको याद रखना है लाई बिटवीन क्या होगा मैक्सिमम एंड क्या होगा मिनिमम। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगला जो केस है देखो क्या है केस, हमने थर्ड देखा फोर्थ देखा, क्या होगा कि व्हेन व्हेन रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा टू द एनी वेक्टर। तो मैं किसी वेक्टर पे यदि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो हमने मान लिया यहां कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा वेक्टर, क्या होगा रिजल्टेंट इज, हमने यहां मान लिया ऐसा कि रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, आई मीन यही क्या होगा वेक्टर ए हो गया है ना, और इसी पे रिजल्टेंट हो गया रिजल्टेंट, यही क्या हुआ रिजल्टेंट, यही आर वेक्टर होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है तो दूसरा जो वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना, यही क्या होगा, यही हुआ ना, हमने मान लिया कि रिजल्टेंट किस पे परपेंडिकुलर है। अब आपसे यहां पूछा जाएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन क्या, अब यहां देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप देख सकते हो यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख सकते हो आप आसानी से, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर, तो यहाँ आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए स्क्वायर, बिना फॉर्मूला। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा जब बुक सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इस टाइप का क्या होगा क्वेश्चन मिलेगा आसानी से, ठीक है। अब एंगल निकालना है, क्या करना है आपको एंगल निकालना है, तो वेक्टर के बीच एंगल कौन सा होगा, देखो ध्यान से ये वाला एंगल होता है ना, यही होगा ना वेक्टर के बीच एंगल, तो ये थीटा है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या होगा थीटा होगा। अब आपको क्या निकालना है, जनरली रिजल्टेंट तो नहीं दिया रहेगा, इसमें जो दिया रहेगा उसको हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलो हम कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा देखें, यहां लिखें क्या लिखेंगे कि कॉस ऑफ, देखो कॉस ऑफ क्या होगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन क्या हो जाएगा बी, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन क्या हो जाएगा बी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन क्या होगा बी, तो यहाँ से हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी लिखते हैं, जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ एंगल भी मालूम चल गया, ये आपको हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया बाई क्या होगा बाई सिंपल बाई ड्रॉइंग द ग्राफ। अब हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, तो देखो तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए प्लस क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, यही होगा ना ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ यदि लिखें क्या लिखेंगे, अब देखो ये क्या दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू क्या दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे टेन 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे ए प्लस क्या होगा बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आई मीन ये क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस क्या होगा बी कॉस थीटा होगा ना। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन जीरो इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं आसानी से, क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद तो ये फोर्थ केस रहा, फिफ्थ केस क्या है आपको केवल क्या करना है, मैं नोटबुक में जो भी पॉइंट बोलता हूँ लिखने के लिए आप उसको नोट करो, रिवीजन करो और कोई भी बुक सॉल्व करो, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल आप मेरा नोट्स पढ़ो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या है अगला पॉइंट क्या है कि केस क्या होगा व्हेन, क्या होगा व्हेन, व्हेन मैग्नीट्यूड 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 ऑफ बोथ वेक्टर्स आर क्या होगा इक्वल, आई मीन यहां दिया हुआ है दैट इज क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इक्वल टू हमने क्या मान लिया पी मान लिया, ये दिया हुआ है ना कि दो वेक्टर्स हैं इनका आई मीन क्या है एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इनका लेंथ क्या होगा सेम होगा, यही क्या हुआ रिजल्टेंट हो गया। और ये जो एंगल है ये क्या है थीटा है, ए अल्फा इक्वल टू आपको प्रूव करना है थीटा बाई क्या होगा टू, ठीक है क्या हो जाएगा थीटा, यही क्या हुआ रिजल्टेंट, ए वेक्टर ए हो गया, ए वेक्टर क्या होगा बी और यही वेक्टर वेक्टर ए प्लस क्या मिला वेक्टर। तो यहाँ क्या होगा अब हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो आप लिख सकते हैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर आई मीन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि टू पी स्क्वायर प्लस पी आई मीन टू पी क्या होगा टू पी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा टू पी कॉस ऑफ क्या होगा थीटा बाई क्या होगा टू। तो ये रिजल्टेंट ठीक है क्या होगा है ना, ये आपको मालूम चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना हुआ है। तो यहाँ आप थीटा दिया हुआ है आप उसका वैल्यू रख लो। अब उसके बाद यदि हम क्या करें टेन, देखो क्या लिखे हैं टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बी, अब देखो तो इसको लिख सकते हैं पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस पी क्या होगा कॉस थीटा है ना। तो इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो देखो इधर tan है तो इधर भी tan में कन्वर्ट करो तो क्या लिख सकते हो tan में क्या लिख सकते हो देखो tan अल्फा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं टू साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू क्या होगा cos ऑफ थीटा बाई टू अपॉन टू cos स्क्वायर क्या होगा थीटा बाई टू, ए टू से टू cos से cos कैंसिल हो गया तो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या होगा tan ऑफ क्या होगा थीटा बाई क्या होगा टू, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा बाई टू। तो यहां क्या लिखना है कि क्या होगा व्हेन टू वेक्टर्स आर व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर क्या होगा इक्वल, क्या होगा यहां लिखना है कि व्हेन क्या होगा व्हेन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर क्या होगा आर इक्वल देन देयर रिजल्टेंट
विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द क्या होगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग द क्या होगा एंगल बाई सेक्टर ऑफ वेक्टर्स, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब ये होगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा कि यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लो कि यही क्या है, क्या है, ए ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लग रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर भी क्या है 10 न्यूटन का, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर लाएगा, ऐसे लाएगा, आई मीन ये क्या होगा एंगल बाई सेक्टर के क्या होगा, अलोंग लाएगा, ये क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर क्या होगा एफ वन वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हैं, ये मेरा गिवन क्या होगा, टू वेक्टर्स आर क्या होगा परपेंडिकुलर, आई मीन टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन देयर रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज क्या होगा डायरेक्टेड अलोंग क्या होगा सेम वेक्टर। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो तुम, क्या है दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो, ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर एक वेक्टर है, ये मान लो कि वेक्टर ए क्या है 10 न्यूटन का है, और इधर क्या है एक ये भी क्या है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन आई मीन 10 नहीं वेक्टर 10 यूनिट या 20 यूनिट, और ये भी क्या है 20 यूनिट, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यही क्या होगा इनका रिजल्टेंट, आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर, यही क्या होगा रिजल्टेंट, आई मीन ए एंगल जितना होगा उतना ही क्या होगा, तो ऑलवेज क्या होगा रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा एंगल बाई सेक्टर के क्या होगा अलोंग, क्या होगा रिजल्टेंट जो होगा एंगल बाई सेक्टर के अलोंग। इसके बाद क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, ए क्या है कौन सा केस था, फोर्थ या फिफ्थ जो भी केस है देख लेना, एक अब केस ठीक है, क्या है ये सिक्स केस होगा कि क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा मैग्नीट्यूड, व्हेन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा रिजल्टेंट, देन आपसे पूछा जाएगा देन थीटा क्या होगा, ये आपसे क्या है पूछा जा सकता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, अब हमने दिया हुआ है तो क्या है यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, देखो ए और एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या होगा आई मीन हम मान लें, यहाँ देखो ध्यान से हम मान लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू हम एक्स मान लें, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 120। इसको ग्राफिकली भी आप क्या कर सकते हो सेकंड मेथड, तो इसको खुद से ट्राई करना बाय ड्राइंग द ग्राफ, क्या होगा खुद से आप क्या करोगे ट्राई करोगे, क्या खुद से इसको ट्राई करना कि दो वेक्टर का यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा आई मीन ये क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, आप ध्यान से देखना क्या होगा ऐसे, मेथड टू बता देता हूँ तुमको, मेथड क्या होगा टू है ना, यही क्या होगा देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ये रिजल्टेंट होगा और ये वेक्टर, यही आर हुआ ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया वेक्टर बी, सबका लेंथ जो होगा वो क्या होगा सेम, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा 120।
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का जो सम है उनके रिजल्टेंट का क्या कर सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट। अब इसके बाद जो होगा कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, बस मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप क्या कर सकते हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो डिफरेंट जो होगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर जो होगा, इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या होगा पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।